एक महाराज जी आपने जो बताया पालक सखा और बालक सखा, तो ये महाराज का मैं सुन रहा था गोपी गीत, उसमें ये महाराज का विशेष है कि ईश्वर पालक सखा है, जीव बाल, हाँ बालक सखा है। ते द्वा सुपर्णा सहिजा सखाया, थोड़ा आपके श्रीमुख से। ऐसा है कि वो दिन हमने कहा था पैंगी रहस्योपनिषद देखा है, पैंगी रहस्योपनिषद, उसमें द्वा सुपर्णा सहिजा सखाया यह मंत्र है, श्वेता सुत्तर आदि में भी है। पैंगी रहस्योपनिषद में बताया गया कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, बुद्धि सत्व और क्षेत्रज्ञ का वर्णन है, ये दोनों सखा है। और एक उपनिषद भी है मेरे पास अष्टोत्तर शत में, जिसमें जीव और ईश्वर को सखा सखा माना गया है। ब्रह्मसूत्र में इस पर शास्त्रार्थ है, उसमें जीव और ईश्वर को लेकर ही शास्त्रार्थ। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब मंडन मिश्र ने जीव और ईश्वर परक अर्थ किया। भगवान शंकराचार्य ने कहा आप अर्थता ठीक है, लेकिन पैंगी रहस्योपनिषद के अनुसार यहाँ क्षेत्रज्ञ और बुद्धिसत्व का वर्णन है, तब दोनों की प्रामाणिकता माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अष्टोत्तर शत उपनिषद है जहाँ जीव ईश्वर के रूप में वर्णन है, वो है ही। पैंगी रहस्योपनिषद का वचन कहता है क्षेत्रज्ञ और बुद्धिसत्व का वर्णन है, इसीलिए हमने कहा कि ऊपर परमात्मा और नीचे बुद्धिसत्व या चित्त या अंतःकरण जो भी कहें, ये दोनों सखा हैं जीव के, ऐसा। और दूसरी दृष्टि से भी अर्थ करें तो बुद्धि से उपहित जो चेतन है, बुद्धि से उपहित, बुद्धि की लक्षण ले जाएंगे बुद्धि से उपहित चेतन में, तब जीव ही अर्थ हो जाएगा, उधर ईश्वर हो जाएंगे, ऐसा। क्षेत्रज्ञ का अर्थ कर देंगे क्षेत्रज्ञ चा विमाम विद्धि, ईश्वर ईश्वर, अब बुद्धि का अर्थ कर देंगे, या हम सामंजस्य से बैठा रहे, अविभाव आया कि बुद्धि से उपहित चैतन्य, तो उस ढंग से दोनों में तारतम्य। क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया पैंगी रहस्योपनिषद में, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत, इस गीतोक्त वचन के अनुसार क्षेत्र की लक्षणा हम कर लेंगे ईश्वर में, अब बुद्धि को बुद्धि से उपहित चैतन्य ले लेंगे, क्योंकि बुद्धि शब्द का प्रयोग जीव के अर्थ में भी होता है। जब वो कहते हैं बौद्ध लोग तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, तो वहाँ पर विज्ञानवाद के अनुसार बुद्धि का अर्थ जीव हो जाता है। प्राण बंधनम सौ में मना, यह जो श्रुति है उसमें शंकराचार्य जी ने मन का अर्थ जीव किया है प्रसंग के अनुसार। अभी भाव आया कहीं प्रवचन में से, आगे दोनों ना आया हो अब तक, कि दोनों में फिर सामंजस्य हो जाता है। उपनिषद में तो जीव ईश्वर भी दिया है एक उपनिषद में।